और अब बढ़ते हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन चित्रकूट में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बस्तर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाने के लिए विकास कार्यों को मंजूरी देना और पहले से स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना रहा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। माइनिंग से प्राप्त निधियों का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है और साथ ही सीएम ने कहा कि जहां बिजली की कमी है वहां सोलर ऊर्जा से बिजली और पानी की आपूर्ति की जा रही है। मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर लगाए जा रहे हैं ताकि संचार व्यवस्था बेहतर हो सके। इसके अलावा औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी हो रही है और साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया जिससे बस्तर वासियों को लाभ मिलेगा। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बैठक में सीएम साय ने एनएमडीसी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज चित्रकूट में संपन्न हुआ जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है।